शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत है आप सभी का गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद को यूपी का दरवाजा कहा जाता है और इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ गाली और थप्पड़ पूछ के नहीं पड़ता। और ये कहानी इन्हीं की है जो आगे रंगीन दुपहिया पे दौड़ी चली जा रही है, हमारी और आपकी। सरोज शर्मा, उम्र 26 और कमर 36। अपने ही रंग में मलंग है, रिस्की सा थोड़ा इसका ढंग है। लाइफ को रखे ऑटो मोड पे, देख के दुनिया भी दंग है। थोड़ी डिफरेंट नारी इसकी तीखी नैन कटारी, अरे इससे मत उलझियो जे तो जाने दुनियादारी। पैकेज ये पूरा कंप्लीट है, यूनिक है थोड़ी ऑफ बीट है, बंदी ये थोड़ी ऑफ बीट है। जे भैया ध्यान थोड़ा इधर केंद्रित, गाजियाबाद के टेढ़े मेढ़े रास्तों पे सीधी सीधी चाल। पिछला सवाल लोगों के लिए, जे बंदी है बवाल। पूछो की चटकाती गिल्ली, जे है बंदी बांगड़ बिल्ली। खतरों की उड़ाती खिल्ली, थोड़ी से आनी थोड़ी से आनी थोड़ी सिली। जाने क्या इसे जादू आए, बेमेलों की शादी रचाए। कल्लू कटरीना क्या जे तो सबकी जोड़ी बनाए। मर्जी की ट्यून पे ये नाचे, तोड़े सुरों के सारे सांचे। जम के लूटे वाह वाहिया, ठुमके पे इसके ढोल बाजे। अपनी किस्मत की मदारी, करे चांद की सवारी। अरे खुशियों के संग ऐसे जैसे पान और सुपारी। इसे तो सब पर मिट है, यूनिक है थोड़ी ऑफ बीट है, बंदी है थोड़ी ऑफ बीट है। अबे ओ ललूच, ऐसा कान पर कंटाप दूंगा ना कि चक्कर गन्ने की तरह चक्कर खाएगा। अरे ये क्या? अरे भैया जी, इस लंबी कतार को तो देखो, लंबे नाटे मोटे छोटे हर आकार प्रकार का इंसान आपके जिम के पोस्टर के लिए ही तो बुला रखा है मैंने। इनमें से कौन तेरे को खाती पीती घर की नजर आ रही है, बता है? बता मुझे कौन से घर की तेरे को खाती पीती लग रही है, बता जरा, बता ना। भैया जी, आजकल ना डाइटिंग का जमाना है, इसीलिए खाते पीते घर की लड़की ढूंढने में डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आप डिप्रेशन ना लो, देखो आज नहीं तो कल, कल कल नहीं आज। अच्छा जी, अरे मिल गई भैया जी, मोटी लड़की मिल गई, देखो तो वो देखो। Thank you.
देख क्या रहा है, तेरी माँ बहन जैसी दिखती हूँ। भैया जी मैंने क्या कहा था, आज मोटी लड़की मिल जाएगी, मिल गई। क्या कर रहा है, पड़ी लकड़ी नाले। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, सामने देखो और बताओ ना कि कैसी है ये वजनदार चांदार मोटी। अरे पागल हो गया, मैं इसको नहीं जानता, चल बदतमीज। ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है, उठ जा। भाई समोसे दे गया, घर जाए। तो पिंटू भाई ग्राहक भगवान होता है। और तू हमें नाराज कर रहा है। ये है पिंटू यादव, जिसके समोसे गाजियाबाद में वर्ल्ड फेमस है। सरोज का इकलौता मेल फ्रेंड और अपने खानदान का इकलौता मेल ग्रेजुएट और बच्चन जी का फैन। जो मजा ना आए खाने में तो रिपोर्ट करा दियो थाने में। अरे साइड हट लो, साइड हट लो, साइड हट लो, हम जॉब देंगे। और भी ग्रेजुएट कैसा है? एकदम चौकस गुरुजी, क्या बात है, आज तो पूरी हल्दी लग रही हो। तू ना अपनी जुबान को थोड़ा तेल कम पिलाया कर, आजकल बहुत फिसल रही है। अरे गुरुजी, आज अकेले अकेले इनाया कहाँ रह गई? डेट पे गई है। कभी हमें भी ले जाए डेट पे। बाको, अरे अरे थम जा, अरे सुन, अरे हो के, अच्छा मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, पिंटू पकड़। अरे गुरुजी अब किसके फंस गई कांच? वही देखने जा रही हूँ। ये जो दाग से परेशान है, ये है रामकला शर्मा, सरोज की मादा, यानी माँ और डैड का मिला जुला संगम। आ गई? बाहर क्यों खड़े हो मादा? तेरी चाची के दूर के रिश्तेदार हैं, आज तो कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप एक कोने में खड़ी रहेगी, समझे? पक्का, ना मैं कुछ सुनूंगी ना मैं कुछ बोलूंगी। पक्का? पक्का। खा प्यारी की कसम, चार दिन से मिर्च के पकौड़े तो खिलाए नहीं, कसम खिलवा रहे हो। चलो। ये जो लड्डू की थाली घुमा रहे हैं, ये है निर्भय शर्मा, सरोज के चाचा, जो साथ खड़ी अपनी धर्म पत्नी कांता से बहुत भयभीत रहते हैं। और गलती से इन दोनों की दो औलाद है। एक है ये ढीलू, जो सर्दी की एक रात गलती से प्लान हो गए थे, और दूसरी है प्रीति, जिसने सरोज में अभी अभी कांच दी है। और कांच क्या फंसी है वो अभी आपको पता चलेगा। आराम से। तू के रिश्तेदार पंडित जी, हमारी दोनों बेटियां बहुत गुणी हैं, एक तो साक्षात सरस्वती और दूसरी एकदम लक्ष्मी। बेटी तुम्हें रसोई में क्या क्या आता है? आंटी जी इसे तो पसीने और चक्कर आते हैं, इसीलिए कभी किचन में कदम रखती नहीं। बहुत मजाकिया स्वभाव है इसका। आप समोसा लीजिए ना, बहुत गर्म है। अरे एक तो लीजिए। अच्छा, वैसे आपकी इनकम का क्या फिगर है? फिगर का तो बहुत ख्याल रखता है ये, रोज सुबह सुबह जिम में जाता है मेरा लड्डू। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है लड्डू? पूरे 25 साल का हो रहा है मेरा लड्डू, पिछले महीने के 25 को। लड्डू तुम्हारे गले में बलगा अटक गया है कि तुम कुछ बोल नहीं रहे? कागजों में कितनी उम्र है तुम्हारी? 34। चलो अब ना सुनने का इंतजार मत करो, चुपचाप गोली हो जाओ यहाँ से। लड़की क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अपनी इस विंटेज कलेक्शन को कहीं और जाके बेचो। भाई साहब आप तो कह रहे थे लक्ष्मी और सरस्वती हैं, लेकिन ये तो काली माई है। काली माई, कभी अपने आप को शीशे में देखा? खा खा के मोटी हो गई है। भाई साहब देख लेना, इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा, समझे? पंडित जी आप लोगों ने चाय नाश्ता तो कर ही लिया है, अब विनती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। हाँ, जा रहे हैं। हमें रिश्ता नहीं करना है, और जहाँ तक हमारी बेटियों का सवाल है कि इनके लिए रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा, इसकी चिंता हमें नहीं है, क्योंकि अपना रिश्ता खुद चुनेंगे। चलो चलो
जी, बेइज्जती कराना नहीं है, चलो। जयराम जी की। क्या बदतमीज़ क्यों? बोला था चुप रहने के लिए। खा ले। से इस रास्ते से आए थे और इस रास्ते चले गए, मतलब मेरे ससुराल इस रास्ते। एक बात बताओ दामाद जी, उस मोटी में ऐसा भी क्या देख लिया आपने कि रात की नींद हराम किए पड़े हो? अबे ए पोपट, इंसान के मोटे पतले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बुद्धि तेरी तरह मोटी होता ना तो जरूर फर्क पड़ता है। मोटापा तो खुश रहने की निशानी होती है। बड़ी बात कह दी भैया, छोटी में कहता भी नहीं। ये है सरोज की फोन वाली कुत्ती सहेली इनाया, और अपनी तारीफ ये खुद ही करें तो ज्यादा अच्छा है। प्यारी, कल मैं तेरे लिए अरहर की दाल और आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगा, और तू मेरे लिए मिर्ची के पकौड़े। ज्यादा बन ये सपने में प्रेम प्रसंग की गुलाटियां इन्हीं के साथ मार रहे हैं जो दीवार पे लटकी मुस्कुरा रही है। ये है सरोज की माँ प्यारी शर्मा, जो कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुकी हैं, लेकिन आज तक अपना पत्नी धर्म नहीं भूली। कल पक्का सरोज के ऑफिस जाने के बाद। वाह मेरी कुत्ती, आज फिर से? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, असली माल तो ये रहा। ऐसे तुझे महंगी गिफ्ट देता कौन है? ये दिखते कैसे हैं? इनके माथे पे ना चू लिखा होता है। और तू इन्हें रिटर्न गिफ्ट क्या देती है? चू के आगे चमन लिख देती हूँ, चमन चू। लेकिन इस बार भी तुझे तेरे सपनों का राजकुमार नहीं मिला। यार सच बोलूँ तो मुझे लगा था ये वाला ना बिल्कुल राइट है, टॉल डार्क रिच एंड डम, बट नहीं, चू तो साला चू ही होता है। उस कमीने को मेरा अपना हाथ क्या पकड़ने दिया, कुत्ता मेरे पे चढ़ने लग गया। तो तूने जड़ा नहीं उसे कान के नीचे? अरे बेबी जरूरत नहीं पड़ी। जानू ने मामडाद से मिलाओ ना, शादी की बात करनी है, ये बोल दिया मैंने उसे। और उसने क्या कहा? वो क्या कहेगा, ऐसे लौंडों को ना प्यार का इजहार करना सिर्फ बंद कमरे में आता, सबके सामने ना उनके छेद बंद हो जाते। फट गई साले की, भग गया। इसी बात पे टियर दे गुप्पी। त्यागी जी को मना क्यों कर दिया कि तू उनकी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता? क्या तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे उनकी लड़की के साथ शादी करनी है या नहीं? अरे इकलौती लड़की है, चप्पल बनाने की फैक्ट्री और हिंडन पे चार दुकानें दहेज में मिलेंगी, जिंदगी बन जाएगी। किसकी, मेरी या तुम्हारी? अम्मा तू इसे समझाती क्यों नहीं है? अरे इतना अच्छा रिश्ता सामने से खुद चल के आया है, पैसा गाड़ी सब दे रहे हैं वो। माँ 5 रुपए दो ना। चुप करना लायक, 1 रुपया नहीं मिलेगा, देखो बस पैसा पैसा करता रहता है। पापा मन में हंस लो। अरे नालायक भला क्यों फाड़ रहा है, उन्होंने कान की मशीन नहीं लगाई हुई। तू त्यागी की लड़की के साथ शादी करेगा? अगर तुमको दहेज चाहिए ना तो जाकर दूसरी शादी कर लो। क्यों भाभी, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी लाने की बातें हो रही है? अम्मा तू तो आग लगा दे, अगर इसकी शादी उससे नहीं हुई ना तो इस घर में रहेगा ये। 100 गज की जमीन मेरी भी है इस घर पे, कैसे नहीं रहूंगा? वो भी तेरे बाप के मरने के बाद। माँ 5 रुपए दे दो ना 5 रुपए। तू पहले इसके गले में रुपए ठूस दे। पैसा पैसा पैसा, सुबह से सर में दर्द कर रखा है। ये ले पका, ये ले ताके मार। 50 रुपए चाचा मम्मी ने 50 रुपए लिए। अरे क्या दिमाग खराब है, बच्चे को 50 रुपए दे दिए, तू उठा के ले गया तो ना बेटा 5 रुपए ले 50 रुपए। भगवान इस घर में शांति कब आएगी? जी शांति लेट आएगी, उसका पति बीमार है। नहीं मैं प्याज काट देती हूँ। नहीं गुड मॉर्निंग माँ, कोई हैंडसम मिला स्वर्ग में? और दादी कितने कोड़े पड़े नर्क में?
बेटा अपनी माँ को मत बिगाड़, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। कभी कभी मेरी माँ को भी प्रणाम कर लिया कर। मादा दादी मतलब एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जो अपने पोता पोती के लिए जमीन जायदाद छोड़ के मरती है। मेरी दादी क्या छोड़ के मरी? अपना ये सन 1940 का नाम सरोज। ऐसे लम्मा है दादी। कुछ और खाना तो बता दियो। राम राम अंकल जी। हाँ राम राम पिंटू। दो दो किलो मसाले बनवा दो जरा जल्दी से। और कल रात ही बन गए थे तेरे मसाले। गुरु जी प्याज वाले समोसे। अरे मेरे मसाले के समोसे कभी मुझे भी खिला दिया कर। उधार का मांग कर शर्मिंदा ना किया करो। गुरुजी मेरे रिश्ते की बात की इनू से। अरे कल ही उसका ब्रेकअप हुआ है 20वां। बहुत रो रही थी बेचारी, थोड़ा सब्र रख ले। अरे तो 21वां नंबर मेरा लगवा दो ना, क्योंकि मेरे बाप को सब्र ना हो रहा। वो मुझे किसी दूध वाली की छोरी के साथ फीस करने में लगा हुआ है। शादी में डिजायर और रोज का 3 लीटर दूध मिलेगा। अभी मजनू दिल से नहीं दिमाग से सोच, ऑफर अच्छा है लपक ले। तू खुद को बेच देगा ना तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। अंकल जी ग्रेजुएट पिंटू यादव का तन और मन बिकाऊ ना है। नादान प्यार में बैल हो गया ये। हाँ तभी सही बात समझ में नहीं आ रही से। हाँ, ये ले बेटा। ये ले। चल चल। सरोज का इतना बड़ा मुंह खाने को देख के नहीं खुला है, बल्कि इन महाशय को देख के खुला है। यह है विक्रम, सरोज के सपनों का इकलौता रोमियो, जो कई साल पहले कनाडा चला गया था और आज सरोज को दिखा है। इनाय ये विक्रम है। विक्रम कौन? विक्रम अबे विक्रम नहीं बेताल है, जो पिछले 3 दिनों से मुझे ना माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे, वो भी अंग्रेजी में। इसके मुंह से तो गालियां भी तालियां सुनाई देती होंगी। हाँ तेरी माँ बहन नहीं है ना तो तेरे पे गालियों का असर नहीं होता। वही कुत्ती की मेरे बचपन का एक तरफा प्यार है, मेरा स्कूल वाला लव। ओ अच्छा ये वो गधा। वैसे तेरे इस बचपन वाले प्यार ने ना हमारे रिश्तों की धूम की गोल्ड सर्विस ले रखी है। लड़की ढूंढ रहा है शादी के लिए पर साला लॉग इन ही नहीं कर पा रहा, मेरी जान अलग खा रखी है इसने। ये किसी और से शादी नहीं कर सकता, मैं इसे अपना तन मन दे चुकी हूँ। तन दे चुकी है? अबे ओ तू तो कहती थी तू आज तक सुखी है। ओए सपने में तो ये मुझे कई बार तहस नहस कर चुका है। सरोज तू भी ना। इनाया मेरी बहन मेरी सारथी, लड़के पटाने में तो तू एमए है ना? हाँ तो आज तुझे अपनी टैलेंट का सबूत देना होगा, इससे मेरा मैच करा दे। और अगर तूने करा दिया ना तो तेरी सैलरी 10% से इंक्रीज। हाँ ठीक है, बट आज रात की दारू तू पिलाएगी। चल डन। निकल के तेरी गैस टॉमी, इसीलिए कहता हूँ पहले खाओ फिर नीचो। चल रसिया कैसी है तेरी गर्दन? भैया गर्दन तो ठीक हो जाएगी, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी शादी का ना कॉन्ट्रैक्ट मिला है दिल्ली की, और इस अवस्था में मैं फोटो खींच नहीं सकता, जिसकी जिम्मेदार है मेरी होने वाली भाभी, समझ रहे हो ना? और तू चाहता है कि तेरी भाभी की गलती का भुगतान तेरा भाई करे। कल सुबह का लगन है, 50 तुम्हारे 50 मेरे, 70 मेरे 30 तेरे, फुल एंजॉय। या कुछ तो शर्म करो। पाइपर विद सोडा दे रहा हूं, तुम भी रुको। रेड वाइन गुड फॉर हेल्थ।
अच्छा ओए ग्रेजुएट, आज तेरी तरक्की देख के ना मुझे यकीन हो गया है कि मैंने सही सरकार को चुना है। आज एक समोसा तलने वाला केटरर जो बन गया। एक और दियो। तिरछी लुक थोड़ी ऐसे। वेरी गुड परमल जी, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आपको टेंशन तो नहीं परमल जी? सर 2 मिनट दीजिए, पिक्चर ले लेता हूं, फिर आ जाइएगा ऐसे। बस ऐसे ही ऐसे। होल्ड होल्ड, वेरी गुड। अरे भैया ये कौन सा तरीका है फोटो लेने का? अबे क्रिएटिविटी कहते हैं इसे। वो तो शुक्र मना अपनी भाभी का जो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वरना कब का ताला लग गया था तेरे फोटो पार्लर पे, समझा? लग गया ताला। दामाद जी एहसान तो मानना पड़ेगा तुम्हें मेरा, क्योंकि भाभी भी यही आई हुई है। किधर? माफ करो भैया, तुम्हें भाभी के ना 2.5 किलो के हाथ की ताकत का अंदाजा नहीं है। अरे ये तो गलत बात है, बाराती से पहले घराती ढूंढ रहे। तुम तो उस दिन डांस वाले और तू यूं कर रहा है। तो लगाओ नारी शक्ति, तुम्हारे एक बारी छूने पे 2 दिन बिता चुके अस्पताल में गरीब। 2 दिन 3 रात। बस तार कह रहा है माफी मांगना भाभी से, अपनी जीजी से माफी मांगना। जीजी से? जीजी बोला कान खजूरे। सॉरी जीजी। चल छोड़, वैसे तुम्हारी तारीफ देखिए जितना करोगी उतना कम है। ये बंदा है सोच से आजाद, काम से बर्बाद, नाम से शांतनुक्रम गाजियाबाद। अपना तारीफ करने के पैसे लोगी? सरोज शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद। सही समझे समझदार, इन गोलगप्पों में आम की जगह जाम है, ये बात अपने तक ही रखना प्लीज, वरना इस गरीब केटरर के करियर का श्री गणेश से पहले ही स्वाहा हो जाएगा। तो मैं भी इस गरीब की हाय नहीं देना चाहता, मगर इस जाम के किस्से कहीं आम ना हो जाए इसलिए गोलगप्पे तो मैं भी खाऊंगा। बना दे भाई। खिला बिंटू, मुझे भी।
से पानी निकालना, कल कपड़े गीले ही रह गए थे। सुबह से रात हो जाती है, कपड़े डालने का टाइम नहीं मिलता। लो देख लो, सुबह की निकली, रात हो गई है, अब लौट रही है तुम्हारी लाडली। अरे उसकी सहेली परमिंदर की शादी थी, परमिंदर से वहीं से आ रही बेचारी। थैंक्स घर छोड़ने के लिए। वेलकम। तुम डांस भी अच्छा कर लेते हो। अरे नहीं, वो तो बस बॉडी लेफ्ट राइट हिल जाती है। तुम्हारा डांस भी काफी सही था। किसी दिन शादी बता करना, इस घर की आबादी बढ़ा देगी ये लड़की। दिखता नहीं क्या? चाची नमस्ते। चाची हाँ नमस्ते। देखा कितना सम्मान करती है तुम्हारा, और एक तुम हो कि उसके पीछे पड़ी रहती हो। चलो अंदर, सब्जी जल जाएगी। हाँ जा रहा हूँ। और ये साड़ी भी धो देना, गीली कर दी। तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो क्या? हाँ फैमिली तो जॉइंट है, मगर बीच में दीवार है। अच्छा जी, वैसे काम क्या करती हो? पॉपुलेशन बढ़ाती हूँ, शादियाँ कराती हूँ। एक से बढ़कर एक सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न और संस्कारी कन्याएं मेरे लैपटॉप के फोल्डर डी में। तुम्हें करनी हो तो बताओ। नहीं, मैं तो अभी अपनी आजादी खोना नहीं चाहता, लेकिन क्या तुम्हारी पिक्चर ही तुम्हारे लैपटॉप के फोल्डर डी में? ये लड़का तो सीधा है, लेकिन इसकी नीयत टेढ़ी है। वैसे तो भाई साहब, सरोज जो चाहती है वही होगा, लेकिन उसकी शादी का क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है, जब उसे करनी होगी बता देगी, दोनों भाई मिलकर इंतजाम कर देंगे। हाँ भाई साहब, हम तो बहुत धूमधाम से करेंगे उसकी शादी, लेकिन पड़ोस वाला गुप्ता है ना, बहुत जबान चलती है उसकी, मन करता है कभी पकड़ के ना एक दो हाथ लगा दो उसको। अरे गोली मार गुप्ता को, उसका खुद का लौंडा 12वीं फेल है। ये भगवान, भाई साहब सच कहता हूँ, कभी कभी मन करता है ना इसे जहर दे। जहर से ये और ताकतवर हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ तू उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। हाँ भाई साहब, आप भी छोटे। हाँ बेटी है, उम्र बढ़ रही है, पड़ोसी ताने मार रहे हैं, इस डर से शादी कर देना माँ बाप का फर्ज नहीं होता। उसे पढ़ाना, काबिल बनाना, और जब वो शादी के लिए तैयार हो उसे विदा करना, ये ज़रूरी होता है, ताकि वो जहाँ भी जाए खुश रहे और नाम करे। भाई साहब एक सेकेंड बता रहा हूँ, क्या कर रही है? दो मिनट थम जा। अरे बता क्यों नहीं रही, तो क्या रही है? मिशन सक्सेसफुल। आलिया शर्मा, ये कौन है? मुझे तो लगा तू मेरी सेटिंग कर रही है। अबे इडियट, ये तू ही है, ध्यान से देख। तेरे डबल एक्सेल को ना मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल बना दी, लग रही है सेक्सी। और ये तो चीटिंग है, तू संतरा दिखा के तरबूज बेच रही है। हाँ क्योंकि तेरे स्कूल वाले लव को एक इंटेलिजेंट वर्किंग इंडियन नारी चाहिए, जो ये सारी क्वालिटी समझ में बचपन से है। जानती हूँ, लेकिन सिर्फ एक नहीं है, विक्रम को एक स्लिम फिट लड़की चाहिए, और तुझे थोड़ा सा
नो 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 नो, तू जो सोच रही है ना वो नहीं हो सकता। आई लव माई फिगर। हाँ सरोज, पर कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। ओए, ये मेरी जमा पूंजी है, बहुत कुछ है मेरे पास खोने के लिए जो मैं नहीं खोना चाहती हूँ। ठीक है, मत सुन, कर ले अपनी। विक्रम को तू नहीं ना तो और कोई मिल जाएगा, पर अगर तुझे विक्रम जैसा लड़का चाहिए ना, सॉरी टू से, जिम तो तुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा और अपने आप को आलिया शर्मा बनाना पड़ेगा। तो अब तू सोच ले, तुझे क्या चाहिए, अपने बचपन का प्यार या फिर तेरा फेवरेट खाना, बता देना। किसी भी हड्डियों को और घिस रहा है? क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है और लड़की वालों को लगता है कि मैं उनकी लड़की के लायक नहीं हूं। पर तू तो अच्छा खासा पतला है। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं कुछ ज्यादा ही पतला हूँ। अब पतला होना भी प्रॉब्लम है? सरोज शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद। ओए स्टॉकर, तू मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गया? स्टॉकर नहीं, हेड ट्रेनर। फिर तो एक साल की मेंबरशिप फ्री। मेंबरशिप? किसकी? नहीं, 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 क्या तू की झूठ है? Don't underestimate the power of a beginner. आज का बिगनर कल का प्रो हो सकता है। अच्छा जी। पर जिम जॉइन करने से पहले मेरी कुछ शर्तें। अच्छा जी, और क्या है वो शर्तें? आधे घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग नारी। रोज आने की कोई गारंटी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई वांट टू लूज वेट विदाउट एनी पेन। मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो अभी मैं जा रही हूं, कल आऊंगी और कल से तुम मेरे ट्रेनर। डन? अगर इस लड़की ने पलट कर देखा मेरे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए डाइट पे हो मिस्टर ट्रेनर? तू ही है शहर मेरा, तुझ में सफर मेरा, तुझ में ही मैं रहती हूँ। छोड़ मुझे जाना।
साथी मेरी दिया मैं तू बाती मेरी रोशनी तू है मैं हूँ नैना तुझ में मैं भूलू ऐसे संग तेरे चलू ऐसे जैसे चांद और रहना आज आंगना बना रसिया मोरा सजना बना रसिया अब तीन ताल पे प्रेम भजन गाए मन में बसिया मोरा सजना बना रसिया मोरा सजना बना रसिया मोरा सजना बना रसिया मोरा सजना बना रसिया उधार मांगकर अपनी गिरी हुई इज्जत को और ना गिराइए दमे का इलाज करा ले कुत्ता खांसी हो गई तुझे जय माता दी चिंतन लिटाए चिता पे अरे भाई मेरे पैसे पैसे तो गए माता के चरणों में बोलो जय माता दी जय माता दी अरे चिंतन कुछ तो शर्म कर ले सरोज से फर्रे लेके पास हुआ है तू गर्म कर रखी है इसलिए कि पर्ची में दोनों के नाम की काटी हुई है अरे चिंतन भाई चिल्ड पानी पियो और कूल हो जाओ पी उन्हीं को पिला दे औरों की भी पर्ची काटनी मुझे ठीक है बोलो जय माता दी जय माता और चिंतन लिटाए चिता पे चलो भाई अरे ना इस पे तारीख है ना पता ओ भाई ये माता का जगराता कहाँ और किधर हो रहा है ये तो बता जा अरे लोगों को लूटने का नया तरीका है ये पर्चियां पाखंडी है ये ला उधार दे पुराना चुकता कर उधार तो गया माता के चरणों में बोलो जय माता की नवाज जी अपनी शादी के दिन सर्दियों में ही निकलवाना क्यों बे सर्दियों में फोटो अच्छी आती है तो शादी के लड्डू बहुत दूर अरे क्या बक रहे हो तुमने भाभी के साथ दिलवाले गाने लगाए तुम सच्चे प्यार करने वाले लौंडों के साथ ना यही दिक्कत है सब कुछ सपने में ही खेल लेते हो तो भाभी से जाके आज ही अपनी नियत बता दो क्योंकि लड़कियों के मामले में देर करने से आशिक अक्सर मामा बन जाता है अरे सही कह रही हूँ पसंद है या सिर्फ लैनबाजी कर रहे हो अब तुम अपनी नौकरी कर लो मदद कर सकता हूँ लिंक है अंदर तक तुम्हारी बात अंदर तक ले जा सकता हूँ बहुत पसंद है तो बाप से मिलकर सीधे शादी की बात कर लो मीटिंग फिक्स करा दो मेरी 100 रुपए को क्या हुआ कम लग रहा है पता है कितना कमा लेते होगे 20 रुपए और अरे एक सेकंड अगर अंदर तक बात करा दी 500 रुपए दूंगा यार अरे ये अपने दूर के जानने वाले हैं खाना पीना सब कुछ सही से खाते रहना सब अच्छे से काम करना ठीक है पैसे की जरूरत पड़े तो मैं दूंगा ठीक है बढ़िया ये अपनी खास ध्यान रखना हाँ ये ठीक है बढ़िया काम तो ये अच्छा करेंगे ही दुकान जो इनकी है माँ ने पैदा किया डैड ने पाल पोस के बड़ा किया मादा शनिवार तक 500 रुपए ऊंचा ले लो ओए हेलो चलो किसी का हिसाब चुकता करना है चलो मादा हाँ।
पैसा आया जय माता, ओए पैसा आया जय माता, भाई पैसा आया जय माता, भाई लेके जाएंगे माता पे। नहीं भाई हम तो झूठ बोले। जय माता दी, चिंतन लिटाए चिता पे। अबे ओ दानवी, नोट ज्यादा हो गए तो गिनने में मैं मदद कर दूं? तू यहाँ क्या कर रही है? तूने जो इलाके में गंडाऊ गदर मचाया हुआ है ना, उस वजह से आना पड़ा। औकात में रह, लड़की है, नोच खाऊंगा। अबे बम्पी लाट, लड़की है कोई मांस का लोथड़ा नहीं नोच खाएगा। इज्जत से बात कर। चिंतन इज्जत देता नहीं है, लूटता है। जगराते के पैसे कल तक सबको वापस कर दियो, वरना ये एंग्री बर्ड तेरे तोते उड़ा देगा। प्यारी, आज जो सुबह वो लड़का आया था ना, वो सरोज के लिए मुझे पसंद है। मेरे मरने के बाद ना मेरी बुक निकल वाली हो, जो वो हर लड़की के लिए होगी जो प्यार में पगला जाती है। ओए पतले नहीं होना क्या यार? प्यार इतनी परीक्षा क्यों मांगता है? प्यार प्यार की भाषा क्यों नहीं समझ सकता? अब ये तो किसी प्यार करने वाले से पूछना चाहिए ना। तभी तो तुझसे पूछ रही हूँ, तू हर हफ्ते प्यार करती है ना। अरे नहीं यार, उसको ना प्यार नहीं टाइम पास बोलते हैं। देख कुछ लौंडे ना लड़कियों को मैगी समझते हैं, दो मिनट वहाँ की बस काम खत्म। पानी पिला दे। मुकद्दर का सिकंदर, इसको पीते ही चर्बी शरीर छोड़ देती है बिना मेहनत किए। ओह मत पी। मैं पी लेता हूँ। अरे भोपड़ी के क्या पिला दिया ये? अरे भैया इसमें तूफानी स्पेशल है ये जूस, इसमें खीरा है, करेला है और गौमूत्र है, वो भी ताजा। मूत्र मतलब पिसाब? तूने पिसाब पिला दिया मुझे? पिसाब पिला दिया तूने मुझे? रुक भोपड़ी के, रुक साले, इधर आ तेरी। ये वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? अबे इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर दिया इसने? इनाया अब हम क्या करेंगे? अब तक तो हम पतली भी नहीं हुए, क्या करेंगे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ बोल ना। अबे थमेगी दो मिनट तो मैं सोचूंगी ना। आइडिया, चल उठ जल्दी चल। हाय विक्रम। यस आई एम हियर विक्रम, हाय। ये तो बड़ा ही कड़ा क्लॉड है। आर यू ओके? आई कांट सी यू। यस विक्रम आई एम फाइन। वो एक्चुअली टेबल लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है। सुबह? हाँ हाँ सुबह तो हो रही है, लेकिन लेकिन आज सूर्य ग्रहण है ना, इसीलिए चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। आलिया मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बात ये है कि बोलो ना विक्रम। अरे अरे तुझे क्या हो गया? अरे चालू हो जा, तेरे जीजे का फोन था, चालू हो जा। भाई तेरे फोन ने बचा लिया वरना तू पक्का पकड़ी जाती। ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे तंत्र कर ले, नहीं तो काम बैठा रहा। बैठा रही है मुझे। अरे दो भाई। चल भाई ये एक गई।
ये गलत है, ये गलत है। मादा एक तो पुग गई मेरे घर में। चलो चलो भाई साहब, कल मैंने अपनी जहरीली को बोला कुछ बना दे। क्या बनाया चाची ने? मुंह बना दिया। हाँ बेटा, जितना तुझे जो है ना हंसना है हंस ले, ये तेरी हंसी कुछ दिनों की किराएदार है। अरे मादा टेंशन मत लो ना, मैं सरोज को अपने पलकों में बिठा कर लव मैरिज कर रहा है ना, तो एक सलाह दूंगा जरूरी। भाई प्रसाद मिला, हाथ फैलाओ। लव मैरिज में लिया सामान वापस नहीं होता, नो गारंटी नो वारंटी। और सुबह शाम सॉरी बोलने का आदत डाल लो तुम दोनों, बिना गलती के भी। भाई साहब भाई साहब अरे चेहरा देखो मेरा। चल 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 भाई साहब। हाँ बाल देख रहा है छोटे? एक आया नहीं भाई, बैठा रहो। सरोज मादा, मादा अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही इतना? दूसरी मशीन लाओ, ये वाली खराब हो गई है। अरे बेटा कल ही तो मसाले तौले थे, सही तो चल रही है। हो सकता है ना कि उसके बाद खराब हो गई हो। हो सकता है खराब हो गई हो। बेटा आजकल तो इंसानों का भरोसा नहीं, फिर ये तो मशीन है, मैं दूसरी ले जाता हूँ। तेरा चेहरा तो पतला हुआ है, पर तुझे थोड़ा और पतला होना होगा। ये ले, ये सही है, ये सही चल रही है। चल हाँ रख। पहला पैर 25 तो दूसरा भी 25। चल रख भाग रख, रखते 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 रखते। तो आते आते ये भी खराब हो गई। सुन तू चिंता मत कर, मैं चाचा से दूसरी वाली लेके आता हूँ। दो महीने से खुद को घिस रही हूँ, पर वजन कम होने की जगह 2 किलो बढ़ गया है। 2 महीनों में सब फिल्म स्टार्स के बच्चे पतले होके लॉन्च भी हो जाते हैं। यार विक्रम वीडियो कॉल करने लगा है, कब तक उससे झूठ बोलूंगी? गुरुजी मैं तो कह रहा हूँ उसको सब कुछ सच सच बता दो। नहीं बता सकती, जिस फोटो से वो प्यार करता है वो तो झूठ है ना। देख मैं ना बता रही हूँ, इस सब में ना तेरे उस ट्रेनर शांतनु की गलती है। वो पहले से ही नहीं चाहता था कि तू पतली हो। वरना मुझे बताओ कौन सा ट्रेनर एक्सरसाइजेस के साथ साथ इतना खिलाता है? नहीं बताओ, कोई होता है? ऐसा होता है कभी? ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? अरे गुरुजी का वजन कम ना होता उसमें शांतनु की क्या गलती है? देख पिंटू तू ना शांतनु की साइड मत ले। साइड तो मैं उसकी लूंगा, उसकी गलती बताते मुझे क्या है? क्यों भी क्या लगता है तेरा? मेरा कुछ भी लगता हो लेकिन उसकी गलती बता मेरे को, तू ऐसे क्यों ब्लेम करती है किसी को? तू ना जाके समोसा तल, भाग यहां से। तू मेरे साथ दुकान पे चल। चल हट। ये कैसे बच्चों जैसा बिहेवियर है सरोज? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। मेरी मर्जी, और हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो? लेकिन क्यों सरोज, अचानक से हुआ क्या? बताओ तो सही, बात तो करो। 2 महीने से मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज कर रही हूँ और आज भी मैं वैसी हूँ जैसी थी। मैं विक्रम के सामने झूठी नहीं बनना चाहती। विक्रम? जिसके लिए मैं पतली हो रही हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ। और 2 महीने से तुम मुझे सिर्फ खिलाए जा रहे हो। लेकिन खुद को खोके किसी और को पाया नहीं जा सकता, ये तो पागलपन है। पागलपन ही प्यार का दूसरा नाम है। और अगर विक्रम मुझे नहीं मिला तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे, समझे?
साथ थे जो कभी अजनबी हो गए, अजनबी हो गए, अजनबी हो गए। साथ थे जो कभी अजनबी हो गए, अजनबी हो गए, अजनबी हो गए। प्यार तुम्हें हम सा कोई करेगा ना कभी, आज मेरी माना तुमको जरा भी कदर नहीं, ख्वाब हम सजाते रहे रेत के घर बनाते रहे, तुम किसी और की जिंदगी हो गए, अजनबी हो गए, अजनबी हो गए। साथ थे जो कभी अजनबी हो गए, अजनबी हो गए। चाहना क्यों आज जाने गुनाह बन गया, जो कल मेरा गुरूर था वो आज सजा बन गया। तेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे, जो था दिल में छुपाते रहे, जिसका डर था हमें तुम वही हो गए, अजनबी हो गए, अजनबी हो गए। साथ थे जो कभी अजनबी हो गए, अजनबी हो गए, अजनबी हो गए। हेल्दी नाश्ता है, सेहत बन रही है। बाप योगा, बेटी फ्रूट्स। दहेज ना मिलने पर ससुराल वालों ने बहू पे किया अत्याचार। दहेज से पीड़ित बेटी ने सास ससुर पे फेंका तेजाब। नहीं बेटा देख, अगर तुझे कोई लड़का पसंद हो ना तो बेझिझक मुझे बता दियो, क्योंकि मेरे पास दहेज तो है नहीं, लेकिन एक लड़का है जो दहेज नहीं लेगा। लगता आ गया, आ जाओ दामाद जी। आप कौन? हेलो, आई एम विक्रम और मैं आलिया से मिलने आया हूँ। आलिया? आलिया हाँ, इन्हीं की बेटी तो है आलिया। ये बहुत भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ बाप। आप ही की तो बेटी है आलिया। अच्छा, बाय द वे आप कौन है? मैं सरोज, आलिया की बड़ी बहन। आलिया ने तुम्हारे बारे में बताया तो था, पर ये नहीं बताया था कि तुम ऐसे टपक पड़ोगे। वो एक्चुअली मैं आलिया को सरप्राइज देना चाहता था। और तुम खुद ही सरप्राइज हो गए और मैं भी सरप्राइज हूँ। अब आलिया कहीं काम से बाहर गई है, वो कुछ दिनों में वापस आएगी। तो तुम क्या कर रहे हो?
आलिया को कॉल, कम से कम उसे ये तो बता दूं कि मैं यहाँ आ गया हूँ। हाँ हाँ हेलो, हाँ जमुना दास, हाँ हाँ भाई, मुझे भी अभी अभी खबर मिली है। हाँ पता नहीं कब कौन से मैदान में चौका लग गया। ठीक है, मतलब अब जवानी की गलती सामने आ ही गई, छोटी है। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, बहुत बिजी होगी, काम से गई है ना। अब विक्रम तुम भी तो थक गए होगे, इतने दूर से उड़ के आए हो। तुम जाओ, अभी जाओ, आलिया तुम्हें फोन करेगी। हाँ फोन करेगी। ओके ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ पर पता तो करना पड़ेगा ना कि ये जो भूल है इसमें साझेदार कौन है। आलिया कौन है? मादा आप बस इतना याद रखो कि आज से आपकी दो बेटियां हैं, एक सरोज और एक आलिया। जहां तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी और बालकनी पे छलांग नहीं मारी। आलिया कहां से आ गई? यार ऐसे बिन बुलाए कौन टपक पड़ता है? कल तक जो मीलो दूर था आज मेरे सामने खड़ा था, बत्ती सी चमका रहा था। विक्रम ने तुझे पहचाना तो नहीं? नहीं यार। अरे भाई जो बटर चिकन का सपना लेकर आया है वो उबली दाल क्यों पहचानेगा? बिल्कुल सही कह रहा है, तो आलिया शर्मा को ढूंढ रहा था, मैं तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए। अरे गुरुजी तुमने भी अपने ही घर में कंपटीशन पाल लिया, अब ये अपनी छोटी बहन कहाँ से लाओगी? यार जब उसे देखा ना तो दिल और दिमाग दोनों थप्पड़ गए थे, जो मेरे मुंह में आना मैंने बस पक दिया। तो विक्रम से अब आलिया बन के बात करेगी या सरोज? चलो मेरे साथ, चलो चलो। भैया नया नंबर देना। अब ये नया नंबर किस लिए? सरोज के लिए। अरे गुरुजी लेकिन हम आलिया के बाद गालियां भी खानी है क्या? तुम्हारे पास तो नंबर है। अबे ओ फर्जी, जो मेरा नंबर है वो आलिया का नंबर है विक्रम के हिसाब से, और ये नया नंबर सरोज का नंबर है विक्रम के लिए, पर तुम्हारे लिए मेरा पुराना नंबर ही सरोज का नंबर है। समझ आया? समोसे वाले हाँ। क्या हो गया? वो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया आज का, मैं जा रहा हूँ। सॉरी यार, आई नो इट्स माय मिस्टेक, मुझे तुम्हें बता के आना चाहिए था। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है अपनी जान ही दे दूं। साला हो गया। क्या जान दे दूं? मेरा मतलब है कि मैं अपनी जान तुम्हें दे दूं। आलिया यू नो आई टोल्ड माय फैमिली अबाउट यू एंड गेस व्हाट, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। विक्रम मिलना तो मैं भी चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, जरूरी काम आ गया था इसीलिए जाना पड़ा। It's okay. I understand. You finish your work and come back to me. I'll wait for you. Okay? I'm missing you too, baby. Miss you too. See you. Bye. Bye. ऐसी लड़कियां होती हैं जो बड़ी बहन का घर ना बसने देती। ओए चुप। वैसे नाया मुझे लग रहा है ना कि मैं विक्रम को सब सच बता दूं। वो मेरे इतने करीब हो कि भी मुझसे कितना दूर है। अबे ओ पागल, तू सरोज और आलिया दोनों है, जब उसे पता चलेगा ना तो सरोज का कत्ल कर देगा और आलिया को तलाक, समझी? तू इनू तू ही बता, मैं इससे कैसे निकलूं, इस गड्ढे से निकाल जिसमें तू नहीं ढकेला है। देख मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस यही कहता है कि हर एक लौंडा ना थर्की होता है, अब चाहे वो देसी हो या विदेशी। तू मेरी बात मान, तो विक्रम को अपने प्यार में ऐसा फंसा कि उसे सरोज से ही प्यार हो जाए, समझी? और एक्सरसाइज वो भी करती रहे, ये मुझे विक्रम विक्रम विक्रम।
पापा को। मैं जानता हूँ आप अपने मोटापे से परेशान हैं, इसलिए फटाफट फिट आपको दे रहा है पूरे 50% की छूट। अभी बखलोल, सुबह सुबह फोन करके गाली क्यों खाना चाहता है? 1 से 9 तक कोई भी नंबर दबा के आखिरी मौके का लाभ उठाइए। देख मका चुप हो जा, वरना ना तेरे टाइम से पहले तो ऊपर चला जाएगा। चलो 60% पे बात पक्की करते हैं। फोन रख वरना तेरी ना DC, BC, MC तुझे ना तेरी बाप को भी करूंगी सीसी। रख। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। क्या तेल लेने? तुम उस दिन घर क्यों नहीं है? लगता है तुम्हें दूसरी कंपनी के मसाले के बारे में पता चल गया है, इसलिए मसाले लेने नहीं आ रहे हो आजकल। जब सब्जी किसी और मसाले के साथ मिलना चाहती है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? हर सब्जी का मसाला अलग होता है, और एक मसाला व्यापारी होने के नाते मुझे पता है तुम्हारा मसाला मेरी सब्जी के लिए सबसे उत्तम है। सब्जी के हिसाब से नहीं ना, मसाले का काम होता है सब्जी में मिल जाना। तुम अपना काम करो, बाकी छोड़ दो तुम खाने वालों पे। एकदम जायकेदार सब्जी बनेगी, इसी बात पे लो कड़क चाय। और एक जरूरी सूचना, सब्जी के साथ तड़के वाली दाल भी मिलेगी। क्या है, चीनी चीनी भर दी है? पता नहीं डायबिटीज है, दिमाग खराब कर दे। सब्जी तड़के वाली दाल? दिलू ये पिंटो के मसाले पहुंचा दे, हिसाब हो गया। ठीक है दादी। नमस्ते अंकल जी। अरे वाह, बड़े तेज निकले तुम तो। ये बासी कड़ी कौन है? बासी कड़ी? अरे मेरे पिताजी हैं, प्रेमचंद। अरे नमस्ते, मैं तो शेर मार रहा था। अच्छा किया जो तुम इन्हें ले आए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए अंकल जी बैठिए। कहाँ है? अंदर। और अंकल जी क्या लेंगे आप? तुम्हें दस्त लगी है तो मैं क्या करूं? इस उम्र में अक्सर होता है कि नाभि नीचे खिसक जाती है, तो तुम एक काम करो, पतलून उतारो, मैं ठीक कर देता हूँ। बासी करिए सूखी मिर्च, मुझे कोई गुप्त रोग नहीं है, कान के कच्चे। अरे दिल्लू, अंकल के लिए चाय ले आ। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना मैंने, तब मुझे लगा था तुम ना बेहद प्यार करती हो अपने आप से, और कभी भी किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलोगी। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? किया होता ना तो तुम्हें पता होता कि प्यार में हद नहीं, जिद होती है प्यार को पाने की। लेकिन क्या वो जिद खुद से बड़ी होती है? हाँ, शायद इसीलिए मैं वो हर चीज कर रही हूँ जो मैं कभी नहीं करती, कि विक्रम ही वो लड़का है जिसे मैंने बचपन से चाहा है, और मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती। सरोज शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद, कल से जिम शुरू करें? हाय आलिया।
Are you free tomorrow? Yes, I am. लेकिन क्या तुम वापस आ गई हो? No, वो actually सरोज ही तुमसे मिलना चाहती थी. सरोज? लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? क्योंकि जिस लड़के से मैं शादी करने वाली हूँ वो कौन है, कितना कमाता है, कोई खराब आदत तो नहीं है उसमें, ये सब देखना जरूरी होता है ना. आई नो थोड़ा ओल्ड फैशन है लेकिन. नो नो इट्स ओके. और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए तो आया हूँ, बिना तुम्हें लिए वापस नहीं जाऊंगा. ठीक है तो मैं दीदी से कह देती हूँ कि वो कल तुम्हें मिल लें. ओके बाय. कहाँ ले जाऊं? शिप्रा मॉल ले जाऊं? और कोई जगह नहीं है? नेहरू नगर बेटर रहेगा. नहीं नहीं फिर तो मॉल ही ले जाऊं. सरोज चले शाम को. आज दर्द तो बहुत हो रहा होगा तुम्हें. बेटा जब तक आखिरी फेरा नहीं हो जाता ना लड़की भगाई जा सकती है. पकड़ इसे. तुम तो खा लो, तुम्हारे लिए ऑलिव ऑयल का बनवाया है. मुस्कान अब मेरी जान बन गई, तेरी आशिकी अब मेरी पहचान बन गई. मेरी अर्जियों पे घर गौर बेखबर इतना जान ले. हाजिरी लगाए दिल हाजिरी लगाए दिल तेरे गलियारों ने. तेरे वास्ते तुझ पे रुक जाते दिल के सब रास्ते. बेखबर तू नहीं तुझको मालूम है, हम तो कायल तेरे ही अंदाज के. मेरी अर्जियों पे गर गौर बेखबर इतना जान ले. हाजिरी लगाए दिल हाजिरी लगाए दिल हाजिरी लगाए दिल तेरे गलियारों में. हाजिरी लगाए दिल हाजिरी लगाए दिल हाजिरी लगाए दिल तेरे गलियारों. रंग भरोगी प्रेम के कब तुम बरखार तो भाई साहब ये. नमस्ते भाई साहब. आप तो ना बस मुंह मीठा कीजिए. क्या बात है, किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? भाई साहब वो प्रीति का रिश्ता मतलब. हाँ तो खुल के बोलिए ना, बेटी का रिश्ता तय किया है. प्रीति का रिश्ता तय हो गया. क्या बताऊं भाई साहब, इतने भले लोग हैं ना कि क्या कहूं. और जो दामाद जी है ना उनकी गाड़ियां मरम्मत करने की दुकान है. हाँ. क्या बात है, तब तो मैं दो मिठाई खाऊंगा. हाँ लीजिए लीजिए. वैसे ये डब्बा तो मैं सरोज के लिए लेकर आई हूँ, इसका एक से क्या बनेगा है ना. कांता सरोज ने मीठा और तला हुआ छोड़ दिया है, वो डाइटिंग कर रही है ना आजकल. अरे कैसी बातें कर रहे भाई साहब,
अब सरोज भी कभी चरना छोड़ सकती है क्यों? भाई साहब चलता हूँ, और घरों में मिठाई बांटनी। चलता अब इनके पेट में क्या। अरे सुनिए पूरी बात तो खत्म करने दीजिए, ऐसे ही निकल गए। टू 90 कैलोरीज, 52% फैट, 42% कार्ब्स। सरोज इट्स सो अनहेल्दी। पिंटू के समोसे इंटरनेशनल है, गूगल पे लिखो ना समोसे तो ग्रेजुएट पिंटू समोसे वाले का नाम आता है सबसे ऊपर। अब टिश्यू मिलेगा प्लीज? टिश्यू दे। देसी घी से बने हैं। एक्चुअली आई हेट ऑयली फूड। ओए, इसको ना माँ बहन की गाली दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके समोसे के खिलाफ ये एक शब्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। तुम तो गाजियाबाद से ही हो? बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा है। तब तो ये भी पता हो कि गाजियाबाद में कब गोली कहाँ को घुसती और कहाँ से निकलती है, तो मरने वाले को भी पता नहीं लगता। बचपन में ऐसी एक गोली मेरे हाथ से चल गई थी, तब पता है क्या हुआ? बेचारा रामू मारा गया। ये रामू कौन था? गली का कुत्ता। गाजियाबाद के गाजियों को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। कुछ साली बाहर था, लेकिन दिल और दिमाग से आज भी गाजी हूं। अच्छा, मगर इन कुछ सालों में ना काफी कुछ बदल गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच को जितनी कम फ्रीडम दोगे ना, उतना यहाँ पर सेफ रहोगे। ये लो पिंटू के समोसे खाओ यार। मेरे हाथ से सिर्फ समोसे खा रहा है, काफी लकी है। लकी सिर्फ मैं नहीं, लकी तू भी है। विक्रम चलें? अच्छा चलता हूँ भाइयों, फिर मुलाकात होगी। चलो सरोज। भाई ये तो ये कपड़ों से भी देसी लगे, अंदर से पूरा देसी है। अच्छा जी। अरे ये पिक्चर तो सेकंड क्लास की है ना, जब मैं पुलिस बना था। हाँ विक्रम, और ये वाली देखो, इसमें मैं फूल गोभी बनी थी और तुम प्रेशर कुकर। थैंक यू। वैसे सरोज इन सब पिक्चर्स में आलिया कहाँ है? अरे बेटा ये पिक्चर का चक्कर छोड़ो, ये लो फ्रूट खाओ और जूस पियो, काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ विक्रम तुम जूस पी लो। क्या अंकल, बैठे बैठे कौन थकता है? अरे बेटा मैं थक जाता हूँ, दिन भर बैठे बैठे खूलों में दर्द होने लगता है। सरोज बताओ ना आलिया कहाँ है? ये रही आलिया, मेरी प्यारी छोटी बहन, और ये मैं। तुम दोनों जुड़वा हो क्या? अरे बिल्कुल सही पहचाना, देखो पैदा दोनों अलग अलग साल हुई हैं, लेकिन फिर भी दिखती हैं जैसी हैं दोनों। हाँ हम सेम कंपनी का प्रोडक्ट तो है, क्यों मादा? हाँ बिल्कुल। अरे मसाले भी तो एक ही क्वालिटी के निकलेंगे ना हर बार। भाई तुम विक्रम का कपार क्यों ना फोड़ देते, पुलिस को मैं देख लूंगा। अरे गुरुजी तुम्हारी।
भाई तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम्हारे प्यार को कोई ले जाने की तैयारी कर रहा है और तुम यहाँ छाती भाड़ रहे हो। तुम कुछ कर लो, कहीं तुम्हारा ही कट जाए। हलवाई, प्यार को प्यार से जीतने से प्यार मिलता है, वरना नफरत तो बाजार में मुफ्त मिलती है। तो कब तक ड्राइवर बने रहोगे? जब तक सरोज को मेरे प्यार का एहसास नहीं हो जाता तब तक। वाह भाई वाह भाई, फिर तो तुम गुरुजी की विदाई के वक्त गाड़ी में धक्का लगाना और वो जो सिक्के फेंकेंगे ना, उन्हें प्यार समझ के अपने पास रख लेना, क्योंकि उन्हें तो एहसास होने वाला है ना। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम हंस रहे हो खामो का, कौन हो तुम फालतू? प्रीति, तुझसे तो ये उम्मीद ना थी। अरे नाक कटा कर रख दी तूने। पर माँ, मैंने किया क्या है? अरे इतनी आग लगी थी तो भाग क्यों नहीं जाती? मैं सोच लूंगी कि मेरी कोई बेटी ना है। क्या बोल रही हो चाचा? अरे बोलना क्या है, तुझे देख देख कर इसके भी पर निकल आए? ये पर चिट्ठी देख, कितनी गंदी गंदी बातें लिखी है इसके यार ने। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हमारी प्रीति कोई गलत कदम उठाएगी? और माँ, मुझे इस लेटर के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। तू तो चुप ही रह, नहीं तो एक लप्पा लगाऊंगी। लेकिन कांता, एक बार ठंडी होकर प्रीति की बात तो सुन लो। सुनो जी, ठंडी तो अब मैं मरने के बाद ही होंगी, और तुम तो चुप ही रहो। और तू, तुझे तो ना लड़की होने का पता है ना ही उसकी मर्यादा का। कौन सी मर्यादा चाची? आप जैसी औरतों ने ही लड़कियों के लिए मर्यादा बनाई है, और अगर आज भी बेटियां डर के रहती हैं तो आप जैसी माँ की वजह से, क्योंकि आपके पास हमारी बातें सुनने का टाइम तो है नहीं, और लड़के तो कभी गलत होते ही नहीं। सारी गलतियों की चादर लड़कियों ने जो ओढ़ी होती है। चल प्रीति, कहाँ जा? चल। अरे कैसे पति हो? वो मेरी उड़ा कर चली गई और आपने मुंह ना खोला? गलती क्या बोला उसने? तो शुक्र मनाओ कि तुम उसकी चाची हो, वरना सब जानते हैं सरोज का मुंह से ज्यादा उसका हाथ चलता है। आपसे तो बात करने फिसूल है। 10 times cross, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये तुम कैसे कर लेते हो? It's very easy. Just give it a try. नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भाग सकती हूँ पर ये नहीं हो पाएगा। Come on, सरोज, trust me, बहुत आसान है, एक बार ट्राई करो। सरोज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? पहली बार जब मैं तुम्हारे घर आया था ना, तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, उसके लिए I'm sorry. नहीं, इट्स ओके। वो एक्चुअली तुमने कभी मुझसे स्कूल में बात नहीं की ना, इसलिए। पको। क्या हनीमून है आज तो? हैं? अरे चार हो गई हैं। अरे बच्चे दिखा दो ना। सुन, आप ना नहीं है? ओहो, तो भाई मैडम जी आ रखी है हमारे साथ खेलने वाली। आज तो तूने हद ही कर दिया है चिंतन। कर दी होगी यार।
विक्रम तुम्हें चोट लगी कि तुम ठीक हो? रिलैक्स सरोज, आई एम ओके। सरोज देख शांतनु को कितनी लगी, खून आ रहा है, तुम दोनों इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। यार मैं थोड़ा झुक के आ गया, इसने तो मुझे गिरा हुआ समझ लिया। गुजर जाऊं तेरे रास्ते से मैं ठहर जाऊं, मैं जी लूं सोबते तेरी या तेरे बिन ही मर जाऊं, इबादत सा लगे है इश्क तेरा। मुझे तो तेरे जिंदगी जिंदगी बेईमान सी लगे, बेईमान सी लगे। मुझे तो तेरे जिंदगी जिंदगी बेईमान सी लगे, बेईमान सी। नमस्ते अंकल। आओ सरोज अंदर है। किसकी शादी का कार्ड? पनीर की सब्जी में हींग डालने से जायका खराब हो जाता है। हाय शांतनु, तुम्हारा हाथ कैसा है? हाथ तो ठीक हुए, जमाना हो गया। उन लोग अक्सर अपनी खुशी में दूसरों का दर्द भूल जाते हैं। तुम शादी कर रहे हो, तुमने बताया नहीं? बताने ही तो आया था, शादी में जरूर आना। भीगी सी है आंखें मेरी, ख्वाब भी बंजर है, रूठा सा है आसमां भी, तन्हा ये मंजर है, खुद ही से फासले है अब मेरे दिल तेरे में। मुझे तो तेरे किसकी लग गई है ये नजर अब हमको, खुद से ज्यादा चाहा हमने टूट करके तुमको, मोहब्बत दे गए दर्द क्यों दे गया। मुझे तो तेरे
विक्रम, अबे कैसा अरे यार तू कब आया कैनेडा? अजय तू कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, मैं बस कुछ दिन पहले आया। तू क्या कर रहे हैं? ये मेरी दुकान है। अच्छा ये छोड़, ये बता कब तक है तू यहाँ पे? मैं हूँ अभी फिलहाल कुछ दिन। क्यों क्या हुआ? अबे अगले महीने मेरी शादी है। वो अपने क्लास में लड़की थी ना सरोज, हाँ उसकी कजन से मेरा रिश्ता तय हुआ है, प्रीति। प्रीति मुबारक हो यार, लगता है दोनों भाइयों का रिश्ता एक ही घर में होने वाला है। एक ही घर में होने वाला मतलब? हाँ हाँ, वो सरोज की छोटी बहन आलिया मुझे पसंद थी, लेकिन फिर आलिया कौन है? आलिया सरोज की छोटी बहन और कौन? भाई तुझे कोई गलतफहमी हुई है, उन लोगों की सिर्फ इकलौती है सरोज। ये देख, क्या पहनेगी कल सरोज? ये वाला क्या? इसके साथ ये पहन ले। बिल्कुल सही वक्त पे आए हो तुम दोनों। इनू ये बताओ मैं कल क्या पहनूं? सरोज, शांतनु कल शादी कर रहा है। वो अंजलि से शादी नहीं करना चाहता। तो ना करे, उससे करे जिससे करना चाहता है। गुरुजी तुम भी लगता है बैल हो गई हो। सरोज तूने विक्रम को आलिया के बारे में बताया? नहीं अभी तक नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ जब मैं उसे बताऊंगी ना तो वो समझेगा। वैसे भी प्यार और जंग में तो सब जायज होता है, क्यों पिंटू? सरोज तो क्या कर रही है? वैसे भी लौंडा चाहे कितना ही लो, बहन उसके प्यार में अंधी है ना, तो उसको जीजा कहना ही पड़ता है। ओए मेरे भाई, तो फिलहाल कल की चिंता कर, कल तेरी छोटी बहन का रोग का है। ये लो ग्रेजुएट पिंटू के गर्मा गर्म समोसे लीजिए ना, जब मजा ना आए खाने में तो रिपोर्ट करा देना थाने में, परी तो ले ले। वही समोसे तुम खाते रहेंगे, रसम कर लें पहले। हाँ ज्यादा मोटी चेन ना दे दी पंचर लगाने वाले को। तुझे भी तो डिजायर मिल रही थी। लो बेटा भैया और भाभी को रिंग दे दो। नमस्ते जी। विक्रम, ये मेरा दोस्त है विक्रम। अरे बेटा बैठो, आप ले लो जरा। गुरुजी तुम भी आज ही रुकना चाहती हो क्या? ये पता नहीं हर बार बिन बुलाए क्यों आ जाता है। बेटा लगता है अंकल सरोज की छोटी बहन आलिया ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं। क्यों सरोज? आलिया आलिया भाई साहब ये क्या कह रहा है? क्या मजाक कर रहे हो आप लोग भी? आलिया आलिया सरोज, आलिया की छोटी बहन का रिश्ता होने जा रहा है और वो कहीं नजर नहीं आ रही। वो विक्रम मैं तुम्हें बताने वाली। क्या बताने वाली थी? कि जिस लड़की से मैं प्यार करने लगा हूं, जिस लड़की से शादी करने के लिए मैं कनाडा से गाजियाबाद आया, वो लड़की तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। या फिर ये बताने वाली थी कि जो एग्जिस्ट करती है वो एक सेल्फिश मोटी लड़की है। विक्रम हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में क्या बात करेंगे अंकल, आप तो खुद इस झूठ में शामिल थे, आपको भी शर्म नहीं आई? ओए लौंडे था कम बोला कर, नहीं तो तेरे साथ तो बहुत गलत हो जाएगा। चुप रहो। गलत तो आपकी बेटी ने मेरे साथ किया है। ये देखिए, ये आलिया शर्मा। इस मोटी का सपना जो इसने मुझे दिखाया था, सरोज मेरी क्या गलती थी? अगर मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो पतली है जो फिट है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? खैर तूने ये कैसे सोच लिया कि तुझ जैसी लड़की से मुझ जैसे लड़का शादी करेगा? अरे तुझ जैसी लड़की को ना घर वालों से मिलवाने में भी शर्म आएगी। तू एक बोझ है, बोझ, एक ऐसा बोझ जिसे मैं तो क्या कोई भी लड़का अपने कंधे पर नहीं उठाएगा।
आलिया शर्मा। विक्रम चाची, आज आप बिल्कुल सही कह रही हो। सब सही चल रहा था, पता नहीं कहां से ग्रहण लग गया मेरी बुद्धि पे। मैं विक्रम के लिए खुद को बदल रही थी। भाई साहब, इसका इलाज कराओ, ये पागल हो गई है। अरे इलाज तो विक्रम ने कर दिया, मुझे इतनी बड़ी भूल करने से बचा लिया। मादा, मैं तो खुद कहती थी ना कि इंसान की सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए। विक्रम मेरा मजाक उड़ाता रहा और मैं खुद से झूठ बोलती रही। सरोज मुझसे कब दूर हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। बेटा, सुबह की भूल यदि शाम को याद आ जाए तो माफी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए और उसे एहसास भी दिला उसने क्या गलत किया। जी मामा। चलो गुरुजी, वैसे भी बहुत टाइम हो गया तुमको फॉर्म में देखे हुए। अरे गुरुजी थोड़ा आराम से चला लो, ऐसा ना हो उसकी लेन से पहले हम खुद की दे दें। क्या दे दें? अरे जान गुरुजी, और क्या। चुप हो जा ग्रेजुएट। विक्रम कौशिक, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद था, पर मैं हर दिन जाया करती थी सिर्फ तुझे देखने के लिए। तूने तो मुझे कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरी नजर तुझसे कभी हटती नहीं। फिर एक दिन तू स्कूल छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने जाना बंद नहीं किया और तेरे इंतजार में मुझे बेस्ट अटेंडेंस के लिए अवार्ड मिल गया। तू मेरा पहला प्यार था, एक तरफा ही सही। जब तेरी प्रोफाइल देखी तो बचपन का प्यार जवानी का जुनून बन गया और मैं खुद को बदलने चली। प्यार में इंसान सही और गलत नहीं सोचता, इसीलिए इतनी बड़ी गलती कर बैठी। तो जैसे घटिया सोच वाले इंसान से प्यार कर लिया, जिसके लिए दिल का नहीं कमर का साइज जरूरी है। विक्रम, मैं जैसी हूं मैं खुश हूं। हाँ मैं खाती हूं, पर तेरे नहीं खुद के बाप का खाती हूं। और मैं जानती हूँ कि मोटापा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ये डिसीजन मेरा होगा कि कब मैं हेल्दी बनना चाहूंगी, पतला नहीं। और तू क्या, कोई भी लड़का अगर इस शर्त पे मुझसे शादी करेगा कि मैं पतली हो जाऊं, तो सरोज शर्मा जिंदगी भर खुद की रहना पसंद करेगी, किसी मोटी बुद्धि वाले की नहीं। वैसे थैंक यू गटर में कूदने से बचाने के लिए। चलती हूं, आई होप हम कभी ना मिले। इसे कहते हैं नारी, सबसे भारी, सबसे भारी। विलू, मादा कहाँ है? मादा तो शांत्रु भैया की शादी में गए हैं। मैं भी शांत्रु भैया की शादी में पापा और दीदी के साथ जा रहा हूँ।
मौका नहीं छोड़ती हूँ मादा को मेरी शिकायत लगाने का, पर जब मैं गलत रास्ते पर दौड़ रही थी तो क्यों नहीं बताया मादा को? क्योंकि प्यार समझाया नहीं जाता, प्यार समझना पड़ता है। अरे इधर उधर क्या देख रही है, तेरे पीछे बैठी हूं मैं। प्यार में है ना ठोकर खाना बहुत जरूरी होता है। जब तक प्यार में ठोकर ना खाओ प्यार समझ में नहीं आता। माँ मैं बेवकूफ पागल और ना समझ हूँ ये मैं जानती हूँ, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ये भी मैं जानती हूँ। वो मेरे सामने खड़ा था और मुझे समझ ही नहीं आया। तो अभी क्या बिगड़ा है? सब बिगड़ गया है माँ, अब तक तो बारात भी आ गई होगी। अच्छे काम कभी वक्त पे नहीं होते, और सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता। माँ मैं सोच रही हूँ तीन जिंदगियां बर्बाद होने से अच्छा है एक घर बस जाए। इंतजार किस बात का कर रही है? आपके आशीर्वाद का। क्या लग रहे हो भाई, लेकिन ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? वैसे शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो भाभी की पसंद है। और तुम्हारी पसंद? तुझे मैं आता हूँ। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। पिंटू ने बताया तुमने विक्रम को असली सरोज से मिलवा दिया। हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती, नजर का धोखा हो गया था, गलती करने से बच गई। तो तुम अपनी गलती सुधारने आई हो यहाँ पर? 28 साल में कभी किसी लड़की ने मुझे मुड़कर नहीं देखा, मैंने भी शाहरुख सलमान की फिल्में नहीं देखी। प्यार की एबीसीडी क्या खाक समझती? इसीलिए जब बर्गर देखा तो समोसे को भूल गई, और ये भी भूल गई कि प्यार और खाने में दिमाग की नहीं दिल की सुनते हैं। अंजलि साइड वाले रूम में रेडी हो रही है, नीचे 300 मेहमान आ रखे हैं। कुछ महीनों से खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तुम खुश हो? मेरा परिवार खुश है, मेरी खुशी उनकी खुशी में ही है। साथ थे जो कभी अजनबी हो गए, तो फिर तो शादी होके रही। तो जी दोनों पक्षों को बधाई हो, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब खड़े हो जाइए, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। चलो भाई चलो खड़े हो। शाबाश। शांतनु तेरा दिमाग खराब है, उधर कहाँ जा रहा है? पिताजी इधर हैं। पागल हो गई अंजलि, कहाँ जा रही है?
शांतनु तुझे सुनाई नहीं दे रहा? इधर आ। बड़े शांतनु कहाँ है? वो वहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए। क्यों भाई साहब? अंत भला तो सब भला। आखिर सरोज ने अपने लिए रिश्ता चुन ही लिया। आखिरकार सरोज को उसकी फिल्म का हीरो मिल ही गया, जिसको ना उसके मोटापे से और ना उसके खाने से परेशानी है। लेकिन सरोज का रिश्ता अभी हुआ नहीं। खैर, अब तक जो हुआ अच्छा हुआ, और अब हम इन दोनों को, मेरा मतलब है इन तीनों को अकेला छोड़ देते हैं। हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल तेरे गलियारों में, हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल तेरे गलियारों में। बस तेरे नाम सांस मेरी, तेरे दीदार से हूँ सवेरे मेरे, तेरे जिक्र से ढलती शाम मेरी, मेरी अर्जियों पे कर गौर बेखबर इतना जान ले। हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल तेरे गलियारों में, हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल तेरे गलियारों मेरी आवारगी बस तेरे वास्ते, तुझ पे रुक जाते दिल के सब रास्ते, बेखबर तू नहीं तुझको मालूम है, हम तो कायल तेरे ही अंदाज के, मेरी अर्जियों पे गर गौर बेखबर इतना जान ले। हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल तेरे गलियारों में, हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल, हाजिरी लगाए दिल तेरे गलियारों। मेरी आवारगी बस तेरे वास्ते, तुझ पे रुक जाते दिल के सब रास्ते, बेखबर तू नहीं तुझको मालूम है, हम तो कायल तेरे।